गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो एक तरीके से कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस करते हैं, उनके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो एवरीडे मुझे रिसीव्ड हो रहे हैं, और वो क्वेश्चन होते हैं कभी कदार जॉब को लेकर होते हैं, और कभी कदार बहुत ज़्यादा जो लोग क्वेश्चन करते हैं वो बाइक राइडर्स के होते हैं। पीछे नज़ारा कुछ यूँ है, मैं बैठा हूँ एक जगह पर, हाँ, अपनी शॉप के सामने जो पार्किंग है उसी पार्किंग में बैठा हूँ। आया था जस्ट रिलैक्स करने, यहाँ पे हवा बड़ी अच्छी अच्छी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, और गाड़ियाँ देखो भाई साहब, सब लग्जरियस गाड़ी। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो लोग भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में हैं, वो अगर ड्राइविंग की जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, एक भाई ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि हम यूएई में रहने के साथ साथ अपनी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो गाइस, सही तरीका यही है, आपको बहुत सी कंपनियां ऑफ़र करेंगी कि आप मेरे वीज़ा पे आ जाओ, हम जो है आपको लाइसेंस बना के देंगे, आप हमें इंडिया का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी वो आपसे बोलें वो आप दे दो उन्हें, तो आपको वो लाइसेंस दे देंगे। लेकिन मैं उनको गलत भी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन सही तरीका जो है यहाँ पे लाइसेंस लेने का, आप पहले यहाँ पे आओ, स्टेबल हो जाओ। ठीक है, आप यहाँ पे आओ, आप इंडिया से आप कभी आए नहीं हो, आप फ्रेशर हो, आप यूएई आओगे, यूएई आने के बाद यहाँ पे उनको पैसा दे दिया कि भाई साहब ठीक है मुझे लाइसेंस दिला दो, और उन्होंने पैसा ले लिया, आपको दिला दे रहे हैं। अब आपको नहीं पता आप वहाँ पे स्टेबल हो पाओगे नहीं हो पाओगे, सूट करेगा नहीं करेगा, आपको बस लग रहा है कि आप वहाँ से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो, यानी बोर हो जाते हो बेरोज़गारी को लेकर। मुझे पता है, सबका दर्द पता है कि जो लोग भी अभी अनएम्प्लॉयड है, तो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, कहते हैं यार कैसे भी करके मुझे जॉब दिलाओ, बस पैसे लेना है पैसे ले लो, बस जॉब दिलाओ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पैसों की। तो इन सारी चीज़ों को देख के ना लोग गलत जगह फंस जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो गाइस, इन सारी चीज डिसीजन लेने में बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं ऐसे लोग जिनका पैसा बहुत ज़्यादा सही जगह नहीं लगा हुआ है, और बहुत लोगों का पैसा बर्बाद भी हुआ है, और बहुत लोग जो लगाने जा रहे हैं वो लोग भी क्वेश्चंस करते हैं। सो आप लोगों से मैं सजेस्ट यही करूँगा, जो यहाँ पे सही तरीका है ना ड्राइविंग लाइसेंस लेने का, आप किसी भी वीज़ा पे यहाँ पे रहो, एटलीस्ट 1 साल 2 साल काम करो, एक वीज़ा यहाँ पे लगवाओ किसी भी नॉर्मल वीज़ा पे, उसके बाद में आप अपने पैसे से यार ड्राइविंग लाइसेंस स्टार्ट करो। वो एक अलग बात है कि आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो 9,000-10,000 दिरहम में, या आप पर स्टेप आप अपना खुद पैसा खर्च करते हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप अपने पैसे से आप लाइसेंस बनवा रहे हो, पहली चीज़ तो आप ऑन हो, यानी आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, आप अब यहाँ पे जॉब करना चाहो करोगे, नहीं करना चाहोगे आप कैंसिल करके दूसरी जगह करोगे, और कंपनियों का मैटर कुछ दूसरा होता है, उनका अलग अलग एग्रीमेंट होता है। मैं किसी भी कंपनी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं सिर्फ उन भाइयों के लिए कह रहा हूँ जो लोग पैनिक होते हैं जॉब को लेके। तो अगर वो स्टार्टिंग में वहाँ से कुछ पैसे, चंद पैसे लगा के अगर वो दुबई आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद अगर वो कोई नॉर्मल जॉब ले लेते हैं, नॉर्मल जॉब के बाद फिर अगर वो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, दैट्स वेरी वेरी गुड। अगर आप पैनिक होने के साथ साथ किसी को पैसा दे देते हैं, यहाँ आने के बाद फिर आप वो लाइसेंस नहीं मिलता है या जॉब नहीं मिलती है, तो आप चारों तरफ से फंस जाते हैं गाइस, पता है आपको। और एक ज़रूरी बात, बहुत से भाई मेरे ये क्वेश्चंस करते हैं कि मुझे जॉब दिलाने में मदद करो, क्या कोई जॉब है वहाँ पर? भाई यहाँ पर बहुत सी जॉब है, और बहुत सी जॉब आती आती रहती हैं, इतनी जॉब है कि पता भी नहीं चलता, यहाँ पर इतनी ज़्यादा जॉब है कि मुझे या किसी को भी नहीं पता चल सकता कि कहाँ कहाँ पे जॉब है। गाइज, आपको अपनी जॉब के लिए खुद मेहनत जब करेंगे ना, तो उसकी जो सैलरी होगी उससे आप सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, आपको कोई थर्ड पर्सन जॉब दिला देगा, आप सोच रहे हो कि नहीं उससे आप खुश हो जाओगे, आपको वो जॉब मिल गई बहुत अच्छी, वो जॉब दिला देगा, कभी हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, दुबई में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो एक अलग बात है किसी ने आपको इमरजेंसी में कहीं पे जॉब लगवा दी लगी, लेकिन जो जॉब आप अपने हिसाब से सर्च करोगे ना कि आपको कहाँ पे, हाँ गाइडेंस आप बोलोगे तो गाइडेंस मैं दे दूँगा। और जो साफ दिल के लोग हैं जिन्हें पैसे नहीं चाहिए होते, जिन्हें ये बहुत से लोग होते हैं कि अब क्या ही कहना, उनका तो कभी पेट ही नहीं भरता, जिनको सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि यार अगले बंदे की किसी भी तरीके से हेल्प हो जाए बस, क्योंकि जैसे हम जैसे लोग हैं ना, मिडिल क्लास वर्ग से निकल करके आए हैं,
और यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, अपनी फैमिली का सर्वाइवल हम लोग बने हुए हैं और उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें हर खुशियाँ मिल सकें। तो ऑब्वियस ये बात है, हर मिडिल क्लास का बंदा यही चाहता है कि यार हम कहीं पर भी जाकर ऐसी जगह ऐसा काम करें जहाँ से हम अपनी फैमिली को सर्वाइवल के लिए एटलीस्ट पैसा दे सकें, और ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो यार सर्वाइवल के लिए अगर आप पैसा देना चाहते हो तो सर्वाइवल से पहले कहीं से क्रेडिट लेके, कहीं से कर्जा लेके, कहीं से अपने ऊपर और प्रेशर डाल के अपने आप को या अपने घर वालों को और परेशान ना करो। कि पता चले, होते हैं ना साहूकार से आपने पैसा ले लिया ब्याज पे, अब यहाँ आए ना तो जॉब मिल रही है ना तो लाइसेंस मिल रहा है। अब साहूकार का तो पैसा हर मंथ इंक्रीज़ होता जा रहा है ना ब्याज के दर पे। पहले साहूकार का ज़माना चलता था, लेकिन अभी गांव में कहीं कहीं अभी भी चलता है। अभी तो लोन चलते हैं, बैंक से लोन चलते हैं, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास का बंदा जो है लोन लेते भी घबराता है। तो गाइस अपने आप को परेशान नहीं करो, बड़ा आसान है। या दुबई में आना, जॉब करना, एटलीस्ट आपको 50,000 के समथिंग अराउंड आपको इकट्ठा करना है। अपना आपको विजिट वीज़ा लेना है नॉर्मल तरीके से, ठीक है। विजिट वीज़ा लेने के बाद डायरेक्ट आपको UAE आ जाना है, बस निकल पड़ना है कि ठीक है। मेट्रो भी है यहाँ पे सस्ता, बस सर्विस यहाँ की बहुत सस्ती है, मेट्रो सर्विस यहाँ की बहुत सस्ती है, बस टैक्सी महंगी है, ठीक है। आपका एफर्ट आपके लिए बहुत सटेबल होगा, आप कहीं जाना है मेट्रो यूज़ कर सकते हो, आप बस यूज़ कर सकते हो, आपको रूट का लाइन पता चल जाएगा, हर जगह मैप है, हर सुविधा है। यहाँ आने के बाद आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो कि आपको कहाँ पे जॉब मिलेगी। उससे पहले आपको जो ज़रूरी काम है कि आप अपने स्किल पे काम कर लो जब तक आप खाली हो, जब तक आप कोई काम नहीं कर रहे हो UAE में, जब तक आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में हो, अपनी कंट्री में हो, तब तक आप अपनी स्किल पे काम कर लो, ताकि यहाँ आने के बाद आपको इस वजह से पीछे ना हटना पड़े। अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको वहाँ पर जॉब मिल जाए। और रही बात विजिट वीज़ा की, तो विजिट वीज़ा भी यार ज़्यादा महंगा नहीं आता। अगर विजिट वीज़ा की हम बात करें तो अराउंड 19,000 से 20,000 रुपये इंडिया में मिल जाता है, और यहाँ पे भी 700-800 के अराउंड मिल जाता है। और विजिट वीज़ा भी आपका नॉर्मल है, बस अभी करंट टाइम पे थोड़ा टिकट के कॉस्ट ज़्यादा है। टिकट भी मुझे ऐसा लगता है कि 1200-1300 दरहम के आसपास है, यानी इंडिया के 25,000 के आसपास अभी टिकट है। लेकिन अभी एक्सपो का प्रॉब्लम चला जिसके वजह से टिकट महंगी भी है। आने वाले समय में एक्सपो भी बंद होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, यानी कि मार्च में ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तो ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा है, तब तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन तब तक शायद थोड़ा सा प्राइस डाउन होने की उम्मीद है कि हो जाए, क्योंकि जब सारे लोग एक बार घूम लेंगे तो बार बार कौन आएगा। बस फिर उसके बाद जो फ्लाइट की टिकट है वो भी कम हो जाएंगी। तो अगर आप अभी आना चाहते हो, अगर आपको पता है कि आप ठीक हो, वेल स्किल्ड हो, आपकी स्किल ठीक है, आप अभी काम करना चाहते हो, तो आप ऐसा करके ट्राई कर सकते हो। और गाइस एक चीज़ और है, किसी और के ऊपर डिपेंड जब तक आप रहोगे ना तब तक आपको अपना विज़न नज़र नहीं आएगा, पता है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सामने वाला बंदा मेरे लिए ये कर दे, कोई कुछ नहीं करता है किसी के लिए, कौन करेगा किसी के लिए। हाँ, गाइडेंस की एक अलग बात है, कौन क्या कर देगा, कोई अगर करेगा तो उसके पीछे आपका थोड़ा सा काम करेगा ना, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा रीज़न होगा कि हाँ ठीक है, मुझे इनसे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ यार, कि आप ये ना सोचो कि चलो ठीक है यार, ये बंदा हमारे इंडिया का है, ये मेरी मदद करेगा, हमारा पाकिस्तान का बंदा है, ये हमारी मदद करेगा। यार यहाँ पे आज के समय में कदम कदम पे लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे कमाना चाहते हैं, आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। घर के अलावा बाहर कोई भी थर्ड पर्सन है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचता है कि आपका कैसे यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो सतर्क रहो गाइस, और आओ और जॉब करो, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड रहो। हाँ, कहीं से गाइडेंस लेना है वो ले लो, किसी से कुछ पूछना है, इंटरनेट पे इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतनी सारी उपलब्धियां इंटरनेट ने कर ली हैं कि आप वहां जाके आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और उसके बाद में अपनी जॉब कर सकते हो। तो गाइस मुझे लगता है थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया। हालांकि ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो एक तरीके से Q&A वीडियो ही हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और जिन जिनको क्वेश्चन करना है दबा के करो, भाई बताने के लिए रेडी है, ठीक है। जो कुछ भी होगा आपको फ्रेंकली क्लियरली बिल्कुल डाउन टू अर्थ बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आपने भी देसी बंदे हैं, देहाती बंदे कह लो, कहीं शहर से नहीं आए हैं। लखनऊ अभी हमारा परमानेंट घर है, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत छोटे से गाँव में रहते थे, और अभी रहते क्या, रहे हैं यार, और रहेंगे, गाँव है हमारा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।